मैं वहाँ पर ताकत के बोल रहा हूँ, मैं देशमुख साहब बहुत कंट्रोलों में चलता हूँ, याद रखना। मैं अभी तक लॉ एंड ऑर्डर कानून का कभी उल्लंघन नहीं किया, मैं कानून का उल्लंघन नहीं किया। ये मेरे लोग है, ये लोग शरीफ लोग है, अपने यहाँ में 40 साल से रह रहे, इनको कोई परेशान नहीं करना। ये मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं 40 साल से, मस्जिद को बंद करने की कोशिश नहीं करना, लाउड स्पीकर बंद करने की कोशिश नहीं करना, और ऐसा रात को जूता पहन के घुसने का, औरतों के घर में, औरतों के रूम में घुसा है, औरतों ने बोला कोई घुसेगा। देखो हम लोग प्यार से बात करते हैं, हम लोग बहुत लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग है, हम कायदे कानून में रह के बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ आप अन्याय करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, दादागिरी करेंगे, तो देशमुख साहब हम लोग की बात फिर छोड़ दो। सही बात है, जो कानून का फैसला होएगा, नियम से हमारा फैसला होएगा, कोई अंदर हम खड़ा रहेंगे। मारो गोली, तुम्हारे में ताकत है, खाने को तैयार है हम लोग, कोई कुछ नहीं डरते नहीं है। बात सुनो, मस्जिद जैसा चल रही है चलने दो, हॉस्पिटल जैसा चल रहा है चलने दो, 10 बजे तक परमिशन है अपने को सब। अगर कोई दादागिरी करने आता है अपन अपने हिसाब से बात करेंगे, मगर कोई तुम लोग दादागिरी नहीं करना, हाथ में कानून व्यवस्था को नहीं लेना। मगर तुम लोग कायदा कानून को खराब नहीं करना, प्यार से चलो, प्यार से अपने को रहना है। और कौन मस्जिद को, ये लोग अपने को परेशान नहीं कर रहे। साहब ने क्या बोला, हमको लाउड स्पीकर का प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हारा मस्जिद से प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आया का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लेंट कोई किया तो आए, लेकिन खामोश रहे, अपने को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अपना फर्ज बनता है, अपन कायदे कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। लेकिन अगर डिस्टर्ब करेगा कोई अपनी मस्जिद पे लाउड स्पीकर पे, तो अपन प्रशासन के साथ बात करेंगे, अपने को आता है कैसा करेंगे। जब तक इन लोग का मिस्टेक नहीं, और जो भी दलवी है जिसने अगर मेरे बारे में कुछ बोला है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 दलवी आए गए, मगर वारिस पड़ा था, है, रहेगा।